आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के संज्ञान में आने के बाद रिपोर्टर दिलीप यादव की 5 महीने बाद हुई कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज की एंट्री। डाटा एंट्री ऑपरेटर की लापरवाही के कारण अब 1 साल बाद लगेगी तीसरी डोज। कई लोगों का अभी भी नहीं चढ़ा है डाटा। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। दरभंगा जिला अधिकारी राजीव रोशन के संज्ञान में आने के बाद रिपोर्टर दिलीप यादव की कोविड-19 की दूसरी डोज की वैक्सीन कोविड शील्ड की डाटा एंट्री किया गया। आज दिनांक 5 मई 2022 को 9:23 पर दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी ब्लॉक के PHC के सभी डॉक्टरों एवं डाटा ऑपरेटर एवं NM की हजारों लापरवाही होने के कारण डाटा एंट्री में लेट हुई है। ज्ञात हो कि 6 दिसंबर 2021 को HSC संख्या 5 गोलमा के अंतर्गत वार्ड नंबर 3 गोपालपुर अर्थुआ में RJD MLC प्रत्याशी गणेश भारती के छोटे भाई दिनेश भारती के दरवाजे पर 6 दिसंबर 2021 को कोविड-19 की शिविर लगा था। NM कुमारी साधना एवं चंद्रमुखी देवी की देखरेख में जिस शिविर में रिपोर्टर दिलीप यादव के साथ सैकड़ों लोग ने कोविड-19 की दूसरी डोज टीका लिया था। NM कुमारी साधना से लेकिन कोविड-19 की टीका देने के बाद NM कुमारी साधना एवं डाटा ऑपरेटर राकेश कुमार इन दोनों की हजारों लापरवाही से सैकड़ों लोगों को कोविड-19 की डाटा एंट्री नहीं किया गया है आज तक, क्योंकि दरभंगा जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी साहब फ्री में वेतन दे रहे हैं सभी कुशेश्वर स्थान PHC के सभी डॉक्टरों को। सभी डॉक्टरों PHC में बैठकर तमाशा देख रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं दरभंगा जिला अधिकारी राजीव रोशन एवं बिरोल SDPO मनीष चंद चौधरी एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड विकास पदाधिकारी किशोर कुमार सभी साहब से कि 6 दिसंबर 2021 से 6 मई 2022 तक 155 दिन बाद क्यों डाटा एंट्री किया गया है, इसका तुरंत मुझे जवाब चाहिए एवं लापरवाही करने वाले सभी डॉक्टरों डाटा ऑपरेटर एवं NM को तुरंत पद से निलंबित किया जाए, क्योंकि भारत सरकार के आदेश अनुसार 1 साल में कोविड-19 की तीसरी डोज लेना है सभी आदमियों को, लेकिन रिपोर्टर दिलीप यादव को अब 6 मई 2023 को तीसरी डोज कोविड की टीका लगेगा, इसका जवाबदेही कौन है इत्यादि। दिलीप यादव की रिपोर्ट।